हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि डेली सुबह 8 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो उम्मीद है दोस्तों आप इसे रेगुलर देखते होंगे, शेयर करते होंगे। अगर आप इंडिया में कोई भी स्टेट का, कोई सा भी इंडिया में अगर आप एग्जाम दे रहे हो या फिर कोई सेंटर का एग्जाम दे रहे हो, इनरेस्पेक्टिव दोस्तों कि वो बैंकिंग से रिलेटेड है या फिर किसी और से, हर जगह दोस्तों आपको करंट अफेयर के सवाल वही देखने को मिलेंगे जो कि हम डिस्कस करते हैं। हर चीज के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी कि इंटरनेशनली, नेशनली, स्टेट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। तो आपकी एक ओवरऑल नॉलेज जब बिल्डअप हो जाएगी दोस्तों, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मन है वो एग्जाम दो, करंट अफेयर के सवाल आपके हमेशा सही होंगे। तो चलिए गाइस शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 5 सवाल जो कि मैंने आपको कल दिए थे उनके आंसर देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहला सवाल, सरकार ने निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन के लिए ओपन सोर्स कोड है जो कि जारी किया है? जल्दी से बताइए ओपन सोर्स कोड के बारे में। किस एप्लीकेशन के लिए किया था सरकार ने? आरोग्य सेतु के लिए। तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट सवाल था, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राज्य में लैग की खेती को कृषि गतिविधि के रूप में रखने का निर्णय लिया है? तो ऐसे करने वाला कौन था? छत्तीसगढ़ गाइज। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने अपने खुद का ग्रूमिंग पर्सनल हेयर ब्रांड FRSH लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है? ये क्या है? सलमान खान ने। हाल ही में जैमी हैम्प्टन ने रिटायरमेंट की घोषणा करी। जैमी दोस्तों टेनिस से जुड़ी हुई थी। निम्नलिखित में से किसे ओरिएंटल इंश्योरेंस के CMD के रूप में चुना गया है? तो ओरिएंटल बैंक के CMD की बात करें तो दोस्तों, तो यहाँ पे राजेश्वरी जी आपका बिल्कुल सही आंसर है जो कि हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको इंडिया में किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जैसे कि UPSC हो, SSC हो, बैंक हो, रेलवे, या फिर कोई CDS हो, कोई PCS, कोई गेट का एग्जाम हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो गाइस, आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते वक्त BHU, NESH, बुनेस्टन यूज कर सकते हैं। 10% ऑफ और सभी सब्जेक्ट के सारे टीचर की सारी क्लासेस आपको मिल जाएगी। उसी प्रकार से मेरा चल रहा है एक फाउंडेशन बैच, जिसमें मई में मैं करा रहा हूँ स्टैटिक GK गाइज, और सुबह 10 बजे जो है ये क्लास होती है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। मेरे अलावा वाईफाई स्टडी के जितने भी एजुकेटर है सबकी क्लासेस मिल जाएगी, चाहे वो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश या GK का कोई भी हो। इस तरीके से दोस्तों हम लोग हर महीने दोस्तों नया सब्जेक्ट पढ़ के करने वाले हैं कंप्लीट। और ये कोर्स SSC के अंदर है गाइज, और मात्र 450 रुपए पर मंथ में आपको मिल जाएगा। EMI का ऑप्शन अवेलेबल है, आप इसे देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के कोट ऑफ द डे की, जो कि विशाल के द्वारा भेजा गया है। विशाल बोलते हैं, समय आपका है, आप तय कर लो कि समय का क्या करना है, नहीं तो समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। तो यहाँ पे दोस्तों विशाल के द्वारा बिल्कुल सही बात करी गई है कि देखो, आज का दिन आपके पास है, आज का समय आपके पास है, जो पास्ट जा चुका है उस पर हमारे कंट्रोल नहीं है, जो भविष्य आने वाला है उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। हमारे पास आज का दिन है, अभी का समय है। अब ये आप तय कर लो उसका करना क्या है, या तो आप तय कर लो समय का क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। ज्यादा बेहतर है कि अगर आप पहली वाली कंडीशन के साथ में चले तो आप तय करो कि समय के साथ में करना क्या है। दोस्तों भविष्य में क्या होगा वो तो किसी को नहीं पता, लेकिन सबसे बड़ी जो जीवन में चीज होती है ना, वो आपको जरूर मिलेगी यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं सेटिस्फैक्शन। अगर आपके पास में सेटिस्फैक्शन है, अगर आपको लगता है कि आप यस, आपने पूरी मेहनत करी है, आप अपना 100% दे रहे हैं किसी भी एग्जाम को, आप अपने करियर को, तो यकीन मानिए दोस्तों चीजें जो है वो बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी, और जो आप चाहते हो ना वो आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आज का दैनदू। आज के दैनदू की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले तो यहाँ पे दोस्तों मुद्दा वही है, इंडिया और चाइना वाला, LOC LAC को लेकर, कि दोनों देश आपस में पीसफुल इसको रिजॉल्व करेंगे, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा बोला गया है। तो हम इसके बारे में ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, कुछ ऐसा इस मुद्दे में है नहीं आज के इस आर्टिकल में कि जो हमें डिस्कस करना चाहिए। इसके अलावा COVID-19 वाली इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सेंटर ने रिव्यू किया है 13 रीजन के अंदर दोस्तों, जहां पे 78% केसेस हमको इंडिया में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक पिक है। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि माइग्रेंट से आप कोई भी चार्ज जो है वो नहीं लोगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट को जब लॉकडाउन लगा था तभी इसके बारे में बोल देना चाहिए था, और अभी तक तो लाखों लोग हैं जो कि ऑलरेडी जो है पैसे देकर अपने घर जो है वो पहुंच चुके हैं। ओके, कई लोगों ने रेलवे को दिया, कई लोगों ने बस वालों को दिया किराया, जैसे तैसे करके जो है वो पहुंच गए। आप जाके सुप्रीम कोर्ट जागा है और बोल रहा है कि भाई माइग्रेंट से पैसे मत लो।
नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों पुलवामा अटैक को लेकर बात करेंगे। वैसा ही एक और अटैक है दोस्तों जो की साजिश जो कि नाकाम कर दी गई हमारे फोर्सेस के द्वारा, बहुत जबरदस्त काम किया गया गाइस, तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे क्या मुद्दा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि दिल्ली के हेल्थ वर्कर, कुछ हेल्थ वर्कर है जिनके यूपी के अंदर जिनके ऊपर अटैक किया गया, तो उनको यहाँ पे पकड़ा गया, 9 लोगों को हिरासत में लिया गया। एक्चुअली के अंदर क्रीमेशन किया जा रहा था, अंतिम संस्कार होता है ना, तो किसी के कोविड-19 था, अंतिम संस्कार करा जा रहा था, तो गाँव के कुछ लोग है उनको जो है इस तरीके से क्रीमेशन करना पसंद नहीं आया और उन्होंने वहां पे झगड़ा कर लिया हेल्थ वर्कर के साथ में। यहाँ पे बात करें दोस्तों तो दिल्ली राइट्स को लेकर बात करी गई है कि दिल्ली कोर्ट ने बोला है कि जो है टारगेट किया जा रहा है ना वो एक साइट पर किया जा रहा है केसेस को लेकर दिल्ली राइट्स में। आपको मालूम है वो चीज की केसेस जो है वो एक ही तरफ पे ज्यादा लग रहे हैं। अरे भाई सिंपल सी बात है, जो पुलिस है वो अपने मोटा भाई के पास में, मोटा भाई के आपको मालूम है स्ट्रेटेजी किस प्रकार से वो करते हैं, तो एक तरफ जो है वो केसेस हो रहे हैं, तो ये दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे कहना है, ठीक है। चलिए इसके अलावा ये वाले कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये आपका पूरा का पूरा फ्रंट पेज है दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, सेंटर ने रिव्यू करा है 13 रीजन के दोस्तों सिचुएशन को लेकर, जहां पे सबसे ज्यादा वायरस का इफेक्ट हमको देखने को मिला है। कल के दिन भी दोस्तों 7000 प्लस केसेस हमें देखने को मिले, 175 लोगों की दोस्तों मृत्यु हो गई। यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों कि जहां पे सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं ना वो एरियाज कौन कौन से सबसे ज्यादा तो दोस्तों हिट किया है कहां पे, मुंबई के अंदर आपको मालूम है, उसके अलावा फिर आपका चेन्नई हो गया, जहां जहां पे कैपिटल है ना, जहां पे ज्यादा पॉपुलेशन है वहां पे ज्यादा आपको देखने को मिला है। दिल्ली हो गया, हैदराबाद हो गया, कोलकाता हो गया, समझ रहे हो, इंदौर हो गया, जयपुर हो गया, इस तरीके के 13 रीजन जो है उनको यहाँ पे दोस्तों सिचुएशन देखी गई है कि यहाँ पे दोस्तों अगर आप टोटल 70% से प्लस केसेस है जो कि आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और अगर मैं मृत्यु की बात करूं दोस्तों, तो हमारे देश में 4700 प्लस दोस्तों लोगों की मृत्यु है जो कि हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी दुनिया की बात करें तो 5.8 मिलियन दोस्तों केसेस है जो कि पूरी दुनिया के अंदर हो चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो और है 40% से भी प्लस जो है हमारे यहाँ पे दोस्तों रिकवरी रेट भी पहुंच चुकी है। बस एक यही वाली बात है जो कि थोड़ा सा सांत्वना देती है मन को कि चलो रिकवरी तो लोगों की हो रही है, यही एक बात है, बाकी तो सब बैड ही बैड है, ठीक है गाइस। इंडिया की बात करें तो देख सकते हो आप 1.65 लाख केसेस पहुंच चुके हैं, टर्की को कल हमने पीछे कर दिया और अभी हम लोग आ चुके हैं दुनिया के 9th नंबर के ऊपर, ठीक है। 4711 लोगों की दोस्तों मृत्यु हो चुकी है। आगे बात करते हैं दोस्तों, जो कि मैंने आपको बताया था सिक्योरिटी फोर्सेस ने दोस्तों एक जबरदस्त जो है ट्रेसिंग करी है, और जैसे कि पुलवामा अटैक के अंदर एक कार के अंदर आपको मालूम है ना RDX और एक्सप्लोसिव जो है डाल के ट्रक के अंदर घुसा दिया गया था, उसी तरीके की सेम साजिश दोस्तों वापस से प्लान करी जा रही थी। लेकिन यहाँ पे दोस्तों हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को इनपुट मिले उनके जो लोग है उनके द्वारा, और यहाँ पे दोस्तों एक जो चेक पॉइंट होता है ना, तो चेक पॉइंट के ऊपर दोस्तों इस गाड़ी को पकड़ लिया गया, जो ड्राइवर था वो तो भाग गया, लेकिन दोस्तों 40 kg एक्सप्लोसिव है जो कि हमको यहाँ पे मिला है। 40 kg एक्सप्लोसिव, आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा डेंजरस है, जो कि हो सकता था हमारे स्टेट के लिए, और साथ में पुलवामा जैसा एक और अटैक है जो कि हमने यहाँ पे रोक दिया और फेलियर जो है एक यहाँ पे कर दिया, ठीक है। यहाँ पे जो एक्सप्लोसिव फिट करे गए थे व्हीकल के अंदर वो हिजबुल मुजाहिदीन और जैश ए मोहम्मद के मिलिटेंट के द्वारा करे गए थे, ओके, जैसा कि स्टडी के द्वारा यहाँ पे पता लगाया गया है। आपको मालूम है दोस्तों कि बहुत सारे लोग हैं अभी भी हमारे ऐसे जो कि इस तरीके के आतंकवादियों को दोस्तों है ना पना दिए हुए हैं, जैसे कि आपको मालूम है ना एक DSP था है ना सिंह करके, ओके, याद है ना सबको, DSP सिंह था, जिसके बारे में कोई मीडिया ने बातचीत नहीं करी, कोई पुलिस ने बातचीत नहीं करी, गवर्नमेंट ने इसके कोई जवाबदेही करी नहीं। इतना हाई प्रोफेशनल डेकोरेटेड ऑफिसर हिजबुल मुजाहिदीन के दो लोगों को अपनी गाड़ी में पना देके घूम रहा था, याद है सबको, लास्ट ईयर या मेरे ख्याल से लास्ट ईयर पकड़ा गया था। ऐसे दोस्तों लोगों को भी ट्रेस करना बहुत जरूरी है जो कि मदद करते हैं अपने यहाँ पे चीजों को, इन सबको काम करवाने को लेकर, ठीक है। ये लास्ट ईयर का देखिए पुलवामा अटैक का है जो कि यहाँ पे जो गाड़ी का कचरा देखो किस तरीके से गाड़ी उठ गई थी, ओके, तो थैंक गॉड यार ये एक बहुत ही सही काम हुआ है कि डिटेक्ट कर लिया गया सेम टाइम के ऊपर, ठीक है गाइस। आगे बात करते हैं, यहाँ पे दोस्तों एक राइनो है जो कि अपने एरिया से बाहर आ गया, ये बच्चा है देखो जो कि मछलियां पकड़ने गया हुआ था, जैसे राइनो उसको देखा वैसे इसने दौड़ लगाना चालू कर दिया, ओके। तो अभी यहाँ पे भी दोस्तों क्या हो चुका है, फ्लड वाटर दोस्तों काफी ज्यादा आ चुका है क्योंकि यहाँ पे भी बारिश काफी ज्यादा हुई है आसाम वाले एरिया के अंदर, तो जो फॉरेस्ट एरिया होता है, रिजर्व एरिया होता है, उसके आसपास दोस्तों राइनो जो है वो निकल पड़ते हैं फूड के सर्च के अंदर,
ओके तो गुवाहाटी के आउटस्कर्ट के अंदर ये फोटो है, काफी सही फोटो लगी मेरे को तो मैंने आपके लिए ले ली। आगे बात करते हैं पेज नंबर दो दोस्तों, पेज नंबर दो पे बात करेंगे। चलिए बताइए कि जो अल्कोहल कंजप्शन है वो आपका फंडामेंटल राइट है कि नहीं है, जल्दी से बताइए मेरे को। अगर आपके मैं बात करूं, जल्दी से बताओ भाई मेरे को कि अल्कोहल कंजप्शन जो आपका दारू पीना होता है वो आपका फंडामेंटल राइट है कि नहीं है, जल्दी से बताइए। गाइस एक बार शेयर कर दो वीडियो को अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो, और गाइस टाइम पे आ जाए करो यार, 8 बजे जो है देखो, 8 बजे से लेकर 8:05 तक क्लास है ना वो मैक्सिमम स्टार्ट हो जाती है, तो आपने मोबाइल के अंदर दोस्तों 7:55 का अलार्म लगा लिया करो और क्लास स्टार्ट कर लिया करो ना। एक बार शेयर कर दो अपने व्हाट्सएप पे, ग्रुप पे, सब जगह पे। देखो मुझे मालूम था सब लोग यस बोलेंगे, मुझे मालूम था फंडामेंटल राइट आप लोग समझते हैं इसको, इसीलिए एक का दो का चार पीने लग गए आप लोग, है ना। अरे भाई देखो बात ऐसी है कि अल्कोहल कंजप्शन दोस्तों फंडामेंटल राइट नहीं है, कभी कहां पे पढ़ लिया आपने। अरे भाई देखो फंडामेंटल राइट वो होता है जिसके बिना जिया नहीं जाता, अल्कोहल के बिना जीना जो है वो मुश्किल है क्या। वो कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत ज्यादा कंजप्शन करते हैं तो ऑब्वियसली भाई फिर तो जिया कैसे जाएगा। ऐसे तो ड्रग्स के भी लोग एडिक्ट होते हैं, उनको हम एडिक्शन कहते हैं, उसको हम जरूरत नहीं कहते हैं, वो एडिक्शन होता है गाइस। तो यही चीज है दोस्तों जो कि यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट ने क्लियर कर लिया हाईकोर्ट के अंदर। ओके काफी अच्छा केस था कि किसी ने पेटिशन दायर कर दी कि भाई दिल्ली ने क्या कर दिया, 70% आपको मालूम है ना टैक्स है जो कि बढ़ा दिया, किस नाम से, स्पेशल कोरोना फी है जो कि लगाना चालू करा है, समझ रहे हो। देखो दारू हो गया, सिगरेट हो गया, गुटखा हो गया, इनके ऊपर तो मैक्सिमम टैक्स लगना चाहिए, समझ रहे हो, ताकि लोग सोचे एक से दूसरी पीने के अंदर 4 बार। इससे क्या होगा कि लोग के हैबिट जो है वो भी, मैं ये नहीं बोलता कि छूट जाएगी, लेकिन डेफिनेटली जो आदमी सोच रहा है कि चलो एक और पी लेते हैं वो फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से थोड़ा सोचेगा और वो हो सकता है चीजों को अवॉइड भी करते हैं, समझ रहे हो। तो ये होना जरूरी है, मतलब ऐसा ये जरूरी है, टैक्सेस भी लगने चाहिए इसके ऊपर, है ना, ताकि और अवेलेबिलिटी भी दोस्तों क्या होनी चाहिए, थोड़ी सी टफ होनी चाहिए, 8 बजे बाद में मिलनी चाहिए। राजस्थान के अंदर ये इनिशिएटिव था, काफी सही था, है ना, ताकि बेवड़े जो है वो रात के अंदर कम घूमे। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने दोस्तों डिफेंड किया अपने डिसीजन को, स्पेशल कोरोना फी जो 70% अल्कोहल ब्रांड के ऊपर लगाई गई थी उसको लेकर, और साथ में ये भी बोला है कि भाई ट्रेड करना, कंजप्शन करना लिकर का ये फंडामेंटल राइट नहीं है और स्टेट के पास में पूरी अथॉरिटी है इसको रेगुलेट करने का कि वो कितनी इसके ऊपर फी लगाता है, कितना टैक्स लगाता है, एक्साइज जो है ड्यूटी है वो कितनी लगाता है, इन सबको लेकर स्टेट के पास में क्या होता है पूरा पावर है जो कि होती है, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये यहाँ पे दोस्तों स्थिति है जो कि क्लियर करी गई है। कई लोगों को लगता है कि भाई फंडामेंटल राइट्स भी के अंदर दोस्तों जो कि आपका अल्कोहल कंजप्शन भी है, भाई ऐसा नहीं है, समझ रहे हो, इस बात को समझो। दिल्ली के जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसके अंदर भयंकर डिप आया बिकॉज ऑफ द कोविड-19, जहां पे उन्होंने लास्ट टाइम 4,000 करोड़ रुपए दोस्तों लास्ट मंथ के अंदर, अप्रैल मंथ के अंदर कमाए थे। इस साल की बात करें तो 300 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है जो कि हुआ है, 4,000 करोड़ का लास्ट ईयर हुआ था इसी सेम अप्रैल महीने के अंदर। तो 90% दोस्तों रेवेन्यू डिप हो गया है और अल्कोहल तो आपको मालूम है लोग पी रहे हैं, तो स्टेट के पास में अल्कोहल टैक्स बढ़ाने का सही मौका है और बढ़ा भी देना चाहिए। मतलब समझ लो सिगरेट 50 रुपए की आने लग जाएगी ना, तो मैं बता रहा हूँ टैबैको की आधे लोगों की आदत तो कम हो जाएगी अपने आप ही, क्योंकि अगर क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आपके पास दिन के 500 रुपए कमाने को है तो 50-100 रुपए की सिगरेट नहीं पियोगे आप, समझ लो, लगाना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जो भी ये कंपनी होती है ना, जो भी बड़ी बड़ी जो भी ब्रांड्स होते हैं उनका भी क्या होता है, बढ़िया टाइप होता है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में, बढ़िया पैसे देते हैं, बढ़िया जो रेगुलेशंस है ना, सप्लाई वप्लाई बढ़िया चलती रहती है। अगर कहीं पर बैन भी लगाते हैं तो भी अवेलेबिलिटी कम नहीं होती है, वो चलती रहती है, समझ रहे हो। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे हम इंडिया की वैक्सीनेशन प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि इंडिया दोस्तों अभी तक कहाँ पे पहुंच चुका है और कहाँ तक हम लोग लेके आ सकते हैं वैक्सीनेशन, ठीक है गाइस। इसके अलावा तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया और नेपाल दोस्तों डायलॉग के थ्रू क्या करेंगे, अपने काला पानी वाला जो इश्यू है ना उसको रिजॉल्व करेंगे, ये यहाँ पे बताया गया है। चाइना ने दोस्तों जो पोर्क होते ना उनके इंपोर्ट को क्या कर दिया है, बैन कर दिया है इंडिया से बिकॉज ऑफ द स्वाइन फीवर। अभी आपको मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि आसाम के अंदर 14,000 के आसपास जो अपने पिग है ना वो पोर्क है, उनकी मृत्यु हो गई थी बिकॉज ऑफ द स्वाइन फीवर, समझ रहे हो। तो और जबकि मतलब उस चीज के वो देखो कि चाइना से आया हुआ है ये हमारे इंडिया में और हमारे ऊपर ही बैन लगा दिया चाइना ने, मतलब समझ रहे हो, चाइना से 2019 के अंदर ये अपने नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आया था स्वाइन फीवर और हमारे यहाँ पे ज्यादा डैमेज किया था इसने आसाम के अंदर,
और अभी इसने क्या कर दिया है, पोर्क को जो है ना वो बैन कर दिया है। इसके अलावा तो कुछ नहीं है। अभी मोदी जी जो है वो अपने एक साल पूरे होने के ऊपर डिजिटल रैलीज है जो कि बीजेपी करवाने वाली है, डिजिटल रैलीज। ओके 500 कोई आसपास कोई है ना डिजिटल रैलीज का टारगेट है जो कि यहाँ पे किया गया है। दुनिया जो है, देश के अंदर तबाही मची हुई है, लोग जो है ट्रेनों के अंदर इधर उधर हो रहे हैं, डिजिटल रैलीज की बड़ी है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, जो कि है इंडिया की वैक्सीनेशन को लेकर। नोवल कोरोना वायरस वैक्सीन दोस्तों डेवलप करी जा रही है इंडिया के अंदर, और बोला जा रहा है कि अक्टूबर तक दोस्तों इसके जो ट्रायल है ना वो स्टार्ट है जो कि कर दिए जाएंगे। ये बताया गया अपने प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, जैसे कि नेशनल साइंटिफिक एडवाइजर होते हैं उसी प्रकार से प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर भी होते हैं दोस्तों हमारे देश के। ओके पीएमओ ऑफिस के, तो अभी कौन है, विजय राघवन जी है, ध्यान रखिएगा पेपर में आता है, विजय राघवन जी है प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। तो उन्होंने ये जानकारी है जो कि दी है प्रेस की ब्रीफिंग के अंदर, ठीक है गाइस। और बोला जा रहा है कि वैक्सीनेशन के ऊपर, फ्लू के बैकबोन के ऊपर काम किया जा रहा है, और अक्टूबर तक इसके ट्रायल से जो कि स्टार्ट, ह्यूमन ट्रायल से जो कि स्टार्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं दोस्तों, इंडिजीनियस भी डेवलपमेंट करने के लिए बोला जा रहा है, और फॉरेन कंट्रीज के साथ में कोलैबोरेशन भी किया जा रहा है। नीति आयोग के दोस्तों जो चेयरमैन, नीति आयोग के जो मेंबर है वीके पॉल, उन्होंने 6 प्रॉमिसिंग वैक्सीन कैंडिडेट के बारे में दोस्तों बोला है जो कि भारत में काम कर रहे हैं। एक तो हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक है, ओके, जिन्होंने अप्रैल के अंदर अनाउंसमेंट किया था कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन किया था यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉसिन के साथ में, और एक यूएस की वैक्सीन कंपनी है फ्लूजिन, उसके साथ में कोरोफ्लू नाम का दोस्तों एक है ना वैक्सीन को बिल्डअप करने को लेकर। इसी के अलावा सीरम इंस्टीट्यूट आपको मालूम है जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ में काम कर रहा है और लीडिंग काम कर रहा है ना, तो मंकी के ऊपर तो अभी उनका फेल हो गया था लेकिन फिर भी काफी पॉसिबिलिटीज है जो कि उनके काम की लगती है। इसके अलावा भी कुछ और 2-4 कंपनियां हैं जो कि इसके ऊपर काम कर रही है, आईसीएमआर भी इसके ऊपर काम कर रही है, समझ रहे हो। तो बोला जा रहा है ह्यूमन ट्रायल्स अक्टूबर में स्टार्ट होगी, तो कुल मिलाकर अगर ह्यूमन ट्रायल्स अक्टूबर में स्टार्ट होगी तो हमारे कंट्री की अगर मैं बात करूं कब तक हमारे पास वैक्सीन हम लोग बना सकते हैं, तो ये दिसंबर होने वाला है। दिसंबर तक तो मेरे को लगता है कि दुनिया के अंदर हम लोग टॉप कर जाएंगे, समझ रहे हो। और दुनिया के अंदर वैक्सीनेशन का जो मुझे लगता है कि अक्टूबर तक जो है, सितंबर या अक्टूबर तक जो है वो वर्ल्ड में कोई ना कोई इसको बना लेगा और प्रॉपर तरीके से यूसेज जो है इसकी शुरुआत हो जाएगी। चलिए गाइस आगे बात करते हैं, पेज नंबर 11 दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों टिड्डों से लड़ने के लिए ड्रोन से जो कि लगाए गए, इस बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों हरियाणा को लेकर एक और न्यूज है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिये गाइज ऐसी बात है कि ड्रोन का अटैक आपको मालूम है बड़ी जबरदस्त हुआ है अभी रिसेंटली दोस्तों, पूरे छतों के ऊपर मतलब करोड़ों के जो है ना टिड्डे जो है वो देखने को मिल रहे हैं। इसका एक वीडियो पता नहीं है, मैं यार उसको मैं डालना भूल गया, वरना मैं आपको दिखा था, बड़ा जबरदस्त वीडियो था उसके अंदर। तो बात ऐसी है कि जो अपनी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है उसने परमिशन दे दी है राजस्थान के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को कि वो क्या कर सकते हैं, ड्रोन को यूज है जो कि कर सकते हैं, समझ रहे हो मेरी बात। ड्रोन से क्या होगा कि आप लोग, ड्रोन से क्या होगा, इंसेक्टिसाइड जो होते हैं ना वो हम लोग, जैसे कि मान लो ये इनका एल्टीट्यूड है, ड्रोन हम यहाँ पे ले जाके स्प्रे करेंगे, समझ रहे हो। स्प्रे करने से क्या हो जाएगा, ये काफी सारे मर जाएंगे, इंसेक्टिसाइड जो है उसके स्प्रे करने से काफी मदद है जो कि मिलेगी, और इस एक्सपेरिमेंट को भी रिसेंटली किया गया था, समझ रहे हो, ठीक है। तो करने से हमें जो है वो काफी फायदा मिला था, तो इसीलिए एविएशन मिनिस्ट्री से भी इसकी परमिशन ले ली गई है और बोल दिया गया है कि भाई नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहां पर नहीं लेके जाएंगे ड्रोन को, ड्रोन की हाइट जो है वो मैनेज करेंगे, हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया पे नहीं लेके जाएंगे, तो एक प्रॉपर रेंज के ऊपर जो है ड्रोन को यूज करके एरियल फोटोग्राफी, पब्लिक अनाउंसमेंट करना, एरियल सर्विलियंस करना, स्प्रे करना इंसेक्टिसाइड, वो सबसे क्या करेंगे हम लोग मदद करेंगे। अदरवाइज तो देखो इनसे लड़ने की दोस्तों किसी में भी हिम्मत नहीं है, ना इंडिया में, ना पाकिस्तान में, ना किसी अमेरिका के अंदर, क्योंकि ये इतनी करोड़ों की तादाद के अंदर आते हैं, समझ रहे हो, और सब कुछ तबाह कर देते हैं। मतलब अगर मैं देखो ये कुछ इस प्रकार का इनका रूट रहा है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका से यमन होते हुए, ईरान होते हुए, पाकिस्तान होते हुए, बाड़मेर जैसलमेर के अंदर इन्होंने बड़ी तबाही मचाई है। देखो 2.5 लाख हेक्टेयर एरिया तो पाकिस्तान के अंदर इन्होंने खत्म किया, 2,500 किलोमीटर दोस्तों डिस्टेंस जो है वो राजस्थान में ट्रेवल कर लिया है। ओके इसके अलावा आप ये देखिए दुनिया में तो वैसे देखो बहुत सारे कंट्रीज के अंदर इस तरीके के अटैक होते हैं, अगर मैं बात करूं तो दुनिया के 60 कंट्रीज के अंदर ये टिड्डे हैं जो कि अटैक करते हैं, और 20% जो हमारा प्रोडक्शन होता है ना फूड ग्रेन्स का उसको ये लोग डिस्ट्रॉय करते हैं, 20% दुनिया के प्रोडक्शन को डिस्ट्रॉय करते हैं। अभी देखो दुनिया में तो क्या होता है कि लोग जो है वो काफी टेक्नोलॉजी में आगे है, तो वो लोग ध्यान रखते हैं इसको लेकर जो है पहले से ये लोग वार्निंग सिस्टम स्टार्ट कर देते हैं, डेटा को प्रोसेस करना स्टार्ट करते हैं, एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं, ओके प्लान्स को बनाते हैं। जैसे कि अगर मैं चाइना की बात करूं या फिर अमेरिका की बात करूं, यूरोपियन कंट्रीज में तो क्या कम ही इसका असर होता है,
तो जहां भी बाकी जो देशों में तो क्या होता है कि प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन डेटाबेस यूज करते हैं, उसके बाद में कोऑर्डिनेशन होता है, और जैसे ही ये कंट्री में एंटर होते हैं ना, वैसे ही एयरप्लेन कंट्रोल एक्शन के द्वारा पेस्टिसाइड है जो कि यहाँ पे छिड़के जाता है बॉर्डर के ऊपर ही, तो वो क्या अंदर ही नहीं आ पाते आपके बॉर्डर के, समझ रहे हो मेरी बात। तो इस तरीके से रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी यूज करके मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या करता है कि इस तरीके के एयरप्लेन कंट्रोल एक्शन है जो कि करता है। लेकिन हमारे यहाँ पे आपको मालूम है राम भरोसे चीजें चलती है अपने यहाँ पे, समझ रहे हो। तो यहाँ पे वही है कि सब अपने हिसाब से चल रही है चीजें। तो अभी तो बॉस तो बोला तो गया है एरियल के लिए, सर्विलियंस के लिए, लेकिन अभी पता नहीं, देखते हैं कब आता है ये सब मामला, कब होता है कब, तो है ना। चलिए तो ये देख सकते हो आप, 60% दो 60 कंट्रीज में दुनिया में दोस्तों इसका इफेक्ट होता है, 20% अर्थ का जो लैंड सर्फेस है ना उसको ये लोग अटैक है जो कि करता है। मिडिल ईस्ट हो गया, ईस्ट एशियन कंट्रीज हो गया, अफ्रीका कंट्रीज मेजरली दोस्तों मानसून सीजन के अंदर देखने को मिलता है, मेजरली यहीं पर ही है। उसकी जो कई सारी प्रजातियां और भी इस तरीके के इंसेक्ट्स हैं, मतलब ये जो लोकस्ट है ना ये तो हमारे इसी एरिया में है, लेकिन इस तरीके के और भी कई सारे हैं जो कि बाकी जगह पे अमेरिका में और कनाडा में भी देखने को मिलते हैं, समझ लो। और ये देखो यार, मतलब 4 करोड़ इंसेक्ट जो है वो 1 किलोमीटर वाले एरिया के अंदर दोस्तों अटैक करते हैं। 4 करोड़ टिड्डे जो है 1 किलोमीटर वाले स्क्वायर एरिया पे अटैक करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि कितना डिवास्टेटिंग होता है। बाइबल के अंदर, कुरान के अंदर भी दोस्तों इसके बारे में मेंशन किया हुआ है। इनका जो वेट होता है 2 ग्राम के आसपास, तो उतना ही खाना खाते हैं, समझ रहे हो। लेकिन इनका जो एक ग्रुप है ना वो 2,500 लोगों का के बराबर 1 मिनट में खाना जो है वो खा जाता है, यानी कि 2,500 लोगों का जो खाना है वो 1 मिनट के अंदर ये लोग खत्म कर देते हैं, चबा जाता है, समझ रहे हो। तो काफी बड़ी मुश्किल है। इंडिया पाकिस्तान दोस्तों कभी भी साथ में नहीं आते किसी भी प्लानिंग को लेकर, लेकिन जब भी टिड्डे अटैक करते हैं ना तो इंडिया पाकिस्तान साथ मिलकर जो है वो लड़ते हैं। जैसे कि अभी इंडिया ने दोस्तों पाकिस्तान से भी कॉल किया था और बात करी थी इस बारे में, ठीक है, कि किस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग कि इस वाले मुद्दे को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है गाइस। इसके अलावा कई सारे टीचर भी है जो कि कोशिश कर रहे हैं राजस्थान के अंदर कि कैसे मैनेजमेंट है जो कि किया जा सकता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि अपने हरियाणा को लेकर। हरियाणा में के ऑफिशियल लैंग्वेज जो है यहाँ पे दोस्तों हिंदी जो है यहाँ पे इन्होंने लोअर कोर्ट के अंदर बना दी है, ठीक है गाइस। हिंदी है ऑफिशियल लैंग्वेज हरियाणा कोर्ट। अभी देखो यहाँ पे मुद्दा क्या हुआ है कि लॉयर्स ने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो एक नया लॉ है जो कि हरियाणा के अंदर बनाया गया था कि जो लोअर कोर्ट है ना हरियाणा के, वहां पे सिर्फ जो है हिंदी वहां पे ऑफिशियल लैंग्वेज है जो कि बनाई गई थी। अब सिंपल सी बात है यार कि सारे लोगों को जरूरी नहीं है कि हिंदी में कम्युनिकेट करें, कई सारे लोग इंग्लिश में भी करते हैं, कई सारे लोग हरियाणवी में भी करते हैं, ओके। तो यहाँ पे लेकिन हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जा रहा था लोअर कोर्ट के अंदर, तो इसको चैलेंज कर दिया गया और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल है जो कि पेटिशनर के द्वारा बताया गया है, ठीक है गाइस, कई सारे लोगों ने, ओके। और इम्पोजिशन ऑफ हिंदी एज ए सोल लैंग्वेज वुड रिजल्ट इन ए अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन बिटवीन द लॉयर्स, ये रीजन बताया गया है कि क्या हो जाएगा, लॉयर्स के बीच में डिविजन हो जाएगा, ठीक है। ऑब्वियस बात है कि भाई लैंग्वेज जो है लोअर कोर्ट के अंदर या तो लोकल चलती है, ओके, या फिर हिंदी या फिर इंग्लिश भी चलती है वहां पे, है ना। नॉर्मल इंग्लिश में भी लोग आर्ग्यू करते हैं और अच्छी बात है, मतलब ठीक है, क्योंकि अगर लोअर कोर्ट में बंदा अगर इंग्लिश बोलेगा तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसको क्या मिलती है, मदद मिलती है। अदरवाइज बाकी सारे वकील, बहुत सारे अच्छे वकील तो इसी वजह से माने जाते हैं बेचारे कि उनको इंग्लिश नहीं आती, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट में क्या नहीं कर पाते, हाई कोर्ट में जो है वो आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाते, समझ रहे हो मेरी बात। तो अच्छी बात यह है कि लोअर कोर्ट में भी अगर इंग्लिश में अगर लोग बात करेंगे तो उनको मदद मिलेगी अपने करियर में आगे बढ़ने को लेकर, और पूरे ग्लोबल लैंग्वेज है इंग्लिश, सिंपल सी बात है। तो हिंदी को सिर्फ और सिर्फ इम्पोज करना थोड़ा सही नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं पेज नंबर 14 की तरफ, है ना। चलिए आगे बात करते हैं पेज नंबर 14। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी रिसेंटली आपसे पेपर में ये सवाल बनेगा कि कौन से राज्य ने दोस्तों हिंदी को एज ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो बनाया है अपने राज्य के अंदर, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए आगे बात करते हैं पेज नंबर 14 दोस्तों। पेज नंबर 14 की बात करें तो एक तो ये दोस्तों ट्रंप के बारे में बात करेंगे और ये चाइना के बारे में बात करेंगे। तो भाई ये चाइनीज लोग मानने को तैयार नहीं है और इन्होंने पास कर दिया है कॉन्ट्रोवर्शियल हांगकांग लॉ, ठीक है। तो हांगकांग मतलब कितने बराबर है सारे के सारे, देखो किसी के भी हाइट छोटी बड़ी नहीं होती, मतलब कितना सेम इक्वालिटी, कितनी जबरदस्त है यहाँ पे, और इक्वालिटी यहाँ पे रखनी भी पड़ती है, मतलब क्योंकि यहाँ पे रूल ही दोस्तों आपको मालूम है कम्युनिस्ट, इतना खतरनाक कम्युनिस्ट रूल है कि एक आदमी है भाई साहब, यही भाई साहब है जो भी है यहाँ पे, मतलब इसके अलावा कोई चलता ही नहीं यहाँ पे, सर। तो चाइनीज चाइना के पार्लियामेंट ने क्या किया है, पास किया दोस्तों नया लेजिस्लेशन हांगकांग के लिए
और एम्पावर किया है खुद बीजिंग को ताकि एक ड्राफ्ट बनाए नेशनल सिक्योरिटी लॉ जो है वो बनाए अपने स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन को लेकर। तो आपको मालूम है हांगकांग मकाओ ये क्या है, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है। तो यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी लॉ है जो कि इन लोगों ने इम्पोज किया है। हम इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं कि ये लोग क्या कर रहे थे कि कोई भी प्रोटेस्ट करता है, कोई भी इस तरीके के काम करता है तो उसको क्या माना जाएगा, उसको थ्रेट माना जाएगा सिक्योरिटी को, और उसको चाइना के अंदर भी जेल है जो कि हो सकती है चाइना से उठा के ले आएंगे ये लोग, समझ रहे हो। तो ये यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी जो उसको कंट्रोल लेजिस्लेचर ने पूरी तरीके से 2878 वोट है जो कि फेवर में आए हैं, 2878% जिन्होंने फेवर के अंदर वोट किया है, एक आदमी है जिसने अगेंस्ट में वोट किया है। यार ये एक आदमी कौन है, मैं इससे मिलना चाहता हूँ समझ रहे हो, मतलब 2878 नियर बाय 2870 लोगों ने फेवर में वोट किया है, एक आदमी जो कि अगेंस्ट में गया है और 6 लोग हैं जो कि एब्सेंट हुए कम्युनिस्ट पार्टी के कंट्रोल लेजिस्लेशन के अंदर। मतलब यहाँ पे पार्टी एक है तो सिंपल सी बात है जो है सारे लोग एक ही वोट करते हैं, समझ रहे हो। इसलिए हमेशा क्या होना चाहिए कि चलो डेमोक्रेसी है ही नहीं तो खैर बात ही नहीं कर सकते उस बारे में, वरना डेमोक्रेसी में हमेशा ये होना चाहिए कि कभी भी अपोजिशन स्ट्रांग होना चाहिए है ना, ताकि ऐसी चीजों को या किसी भी चीज को बात कर सके यार ये एक आदमी का बड़ा खतरनाक जिगर होगा, रात को पता नहीं कैसे सोता होगा वो, उसको तो लगता होगा कभी भी जिनपिंग की सेना उठा के लेके जा सकती है जबरदस्त आदमी है यार, जो भी है ये आदमी है खतरनाक रिवोल्यूशनरी आदमी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे पास कर दिया है, बाकी मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा अगर कोई और तो यहाँ पे कुछ ज्यादा डिस्कशन का नहीं है, बाकी सब हम डिस्कस कर चुके हैं। आपको मालूम है कि 50 साल के लिए जो है वो डेमोक्रेसी के लिए, 50 साल के लिए ऑटोनॉमी के लिए बोला था हांगकांग को चाइना ने, जब 1997 में ब्रिटेन से ने चाइना को हांगकांग रीजन को दिया था उस टाइम पे बोला था कि वन नेशन टू सिस्टम है जो कि यहाँ पे चलेंगे, इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव और जुडिशरी वहां पे चलाने के लिए बोली थी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, जो कि ट्रंप के लेकर ट्रंप की बात करें तो ट्रंप का एक और यहाँ पे मुद्दा जो है, आवाज आ रही क्या, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो बात ऐसी है भाई कि अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था, ट्रंप ने बोला था कि मैं सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद कर दूंगा अगर कोई जो है मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन भेजेगा तो, समझ रहे हो मेरी बात, ये बात है जो कि ट्रंप भाई साहब ने बोली थी। अभी ट्रंप भाई साहब ने क्या किया, खुद ने एक ट्वीट किया, कोई दो चीजें ट्वीट करी और ट्विटर ने जो है ना उन ट्वीट को मिसलीडिंग है जो कि बताया था मतलब ये तो वही बात हो गई कि जो आदमी बोल रहा है कि भाई चोरी नहीं करनी है उसने खुद ने चोरी कर ली, तो कुछ इस तरीके का जो है यहाँ पे सीन है जो कि हुआ था, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ट्रंप ने क्या कर दिया, ट्रंप क्या करने वाले हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है जो कि जारी करने वाले हैं, ये एक्सपेक्टेशन है कि ट्रंप क्या करेंगे जल्दी ही दोस्तों, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है जो कि जारी कर देंगे। उसके द्वारा क्या होगा कि जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होगा ना उसके ऊपर कोई भी कॉन्टेंट जा रहा है किसी यूजर का तो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, उस कंपनी की होगी। जैसे कि फेसबुक ने पे अगर आपने कुछ भी डाला जो कि गलत है या मिसलीडिंग है या फिर फॉल्स है तो फेसबुक उसका जिम्मेदार होगा। तो लीगली रेस्पॉन्सिबल कॉन्टेंट के लिए है ना वो किसको, फर्म को बनाने के लिए दोस्तों ट्रंप के द्वारा एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है जो कि जारी किया जा सकता है। जैक डॉर्सी ने दोस्तों साफ तौर पे बोल दिया, जो ट्विटर के फाउंडर है सीईओ है, ओके, कि कोई भी कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो बनाया हुआ है मिस इन्फॉर्मेशन को जो है हम लोग पता करते हैं और हम लोग क्या करते हैं कोई भी अगर ऐसा ट्वीट होता है तो हम उसको डिस्प्यूट वाले मैटर में डाल देते हैं जो कि सही नहीं होता है। तो ट्रंप के जो दो ट्वीट थे वो खुद ही जो है मिसलीडिंग वाले करार दे दिए गए ट्विटर के द्वारा, तो ट्रंप का दिमाग खराब हो गया तो आने वाले दिनों के अंदर हमको ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो कि देखने को मिल सकता है। आपको मालूम है यहाँ पे भी इलेक्शन आने वाला है और ट्रंप के जीतने के कोई चांस नहीं है। ठीक है, जनता समझ गई है यूएसए की एक बार बेवकूफ बन सकती है दोबारा नहीं बन सकती है, ओके, यही फर्क है हमारे यहाँ पे और यूएसए के अंदर तो वहां पे वापस ट्रंप के आने का कोई चांसेस नहीं है। तो कोशिश कर रहे हैं ट्रंप जितनी तरीके से जो है कुछ भी कर सकते हैं तो कोशिश कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे इन्होंने साफ तौर पे ये भी बोल दिया कि जो भी ये मेल इन वोटिंग जो हो रहा है ना, इन्होंने ट्वीट के अंदर बोला था कि भाई जो आने वाले इलेक्शन जो है वो रिग्ड इलेक्शन है जो कि देखने को मिल सकते हैं। आगे बात करते हैं पेज नंबर 15 की बात करें तो गूगल क्या करने वाला है, वोडाफोन आइडिया के अंदर दोस्तों 5% की हिस्सेदारी है जो कि लेने वाला है। जैसा कि आपको मालूम है दोस्तों जियो के अंदर पूरी दुनिया टूट पड़ी है पैसे लगाने के अंदर, अगर आपके पास में भी कोई 200-500 करोड़ रुपए है तो लगा देना भाई जियो के अंदर, सबको सब लोग लगा रहे हैं, अभी माइक्रोसॉफ्ट भी लगा रहा है, सब लोग लगा रहे हैं मतलब उसके अंदर है ना।
तो ये वाली न्यूज इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करेंगे, साथ में एफडीआई को लेकर बात करेंगे, ये दो न्यूज इंपॉर्टेंट है। चलिए तो सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं, तो गूगल दोस्तों क्या कर रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है कि वो क्या कर सकता है। ब्रिटिश टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन और आइडिया को उसने खरीद ही लिया था, तो आइडिया वोडाफोन के अंदर 5% हिस्सेदारी जो है वो ले सकता है। इनके जो दोस्तों जो राइवल है वो कौन है, वो कौन है, जियो। और यहाँ पे गूगल के राइवल की बात करें तो आपको मालूम है फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, सभी लोग जो है वो जियो के अंदर पैसा है जो कि लगा रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, वोडाफोन आइडिया को भी मदद मिलेगी जियो से लड़ने के लिए, और उनके पास में भी काफी पैसा है जो कि लगाने के लिए आ जाएगा। ठीक है गाइज, चलिए तो ये न्यूज इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा तो इसके अंदर कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट और तो कुछ है नहीं, और आपको मालूम है काफी सारा पैसा है जो कि गवर्नमेंट को भी देना है, भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, टाटा ग्रुप को 1.19 लाख करोड़ रुपीस है जो कि देना है। ये वाला भी बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा था, पहले तो सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट पहुंच गई कि भाई पैसे नहीं दे रहे, पैसे नहीं दे रहे, और जब सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई टेलीकॉम कंपनी को और जो पैसे दिलाने के देने के लिए बोला, तब गवर्नमेंट बोलती है नहीं नहीं ले लेंगे, आराम से ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही वाली बात है, 1.1 लाख करोड़ रुपीज है जो कि इनको देने थे, तो इन्होंने थोड़ा बहुत पैसा जो है वो कोने से सरका दिया होगा, तो इनको टाइम है जो कि मिल गया, अच्छा खासा टाइम मिल गया अपना पैसा जो है वो देने के लिए, वरना अभी कुछ टाइम पहले तक तो आपस में गवर्नमेंट जो है वो गुत्थम गुत्था हो रही थी। नेक्स्ट बात करते हैं एफडीआई को लेकर, तो एफडीआई दोस्तों 13% बढ़ गया है और $50 बिलियन तक दोस्तों पहुंच गया है। लास्ट ईयर अगर मैं 2018-19 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अप्रैल से मार्च तक की यानी कि 1 साल की, तो उस टाइम पे $44 बिलियन के आसपास है जो कि एफडीआई है जो कि हमारे देश में आया था। अगर मैं 2019-2020 की बात करूं दोस्तों, तो इस बार जो एफडीआई आया वो कितना, $50 बिलियन का एफडीआई है जो कि हमको देखने को मिला है। इसके अंदर मैक्सिमम जो पैसा दोस्तों जो लगा है वो सर्विसेज में नियर बाय $8 बिलियन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के अंदर $7.5 बिलियन, टेली कम्युनिकेशन के अंदर 4.5, ट्रेडिंग में 4.5, ऑटोमोबाइल में 2.5-3 के आसपास, कंस्ट्रक्शन के अंदर, केमिकल्स के अंदर, तो ये सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर दोस्तों एफडीआई है जो कि दुनिया के द्वारा इन्वेस्टमेंट है जो कि किया गया है। सिंगापुर दोस्तों सबसे बड़ा लार्जेस्ट सोर्स रहा है एफडीआई का, ध्यान रखिएगा पेपर में सवाल पूछेंगे। ठीक है, $14 बिलियन के आसपास तो जो पैसा आया है वो हमारे कहाँ से आया है दोस्तों, वो तो सिंगापुर से ही आया है। उसके बाद में मॉरिशियस है सेकेंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे नीदरलैंड है, फिर यूएसए है, फिर उसके बाद में कैमन आइलैंड है, जापान है, फ्रांस है। ठीक है गाइस, और दुनिया की टॉप 10 कंट्रीज में से भी है इंडिया जहां पे एफडीआई है जो कि आता है। एफडीआई होता क्या है दोस्तों, ये कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कंपनी दोस्तों डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती है किसी भी कंपनी में, तो हम उसको एफडीआई है जो कि हम कहते हैं। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है, ये बात आपको यहां पे ध्यान रखनी है। इसके अलावा उस देश के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसके अंदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है जो कि किया जाता है। ठीक है गाइस, फैक्टर्स दोस्तों जो कि एफडीआई को अफेक्ट करते हैं वो देख लेते हैं कि एफडीआई किस वजह से नहीं आता है या आता है। एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए किसी भी देश में, वेजेस के रेट फिक्स होने चाहिए, टैक्सेशन अच्छा होना चाहिए सिस्टम, ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिलना चाहिए, साइज ऑफ लोकल मार्केट की बात करते हो बेहतर होना चाहिए, कम्युनिटीज वहां पे मिलनी चाहिए, फ्री ट्रेड एरिया आपको मिलना चाहिए। जब ये सारी चीजें मिलती है तो लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट है जो कि किसी भी देश में करते हैं। समझ रहे हो, अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पे तो एफडीआई और एक और होता है एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एक तो होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और एक होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो पोर्टफोलियो के अंदर तो दोस्तों क्या होता है कि आप लोग सीधे स्टॉक मार्केट जो है ना उसके अंदर लोग पैसा लगाते हैं। जैसे कि मान लो कोई सिंगापुर की कंपनी है, उसने अपने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया, तो यानी कि क्या हो गया, इसको हम बोलेंगे एफपीआई। समझ रहे हो, ये क्या होता है कि शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये इसके अंदर इन्वेस्टमेंट होती है एसेट्स के ऊपर। ठीक है गाइस, और सिर्फ जो है पैसा ही आता है फॉरेन से और कुछ भी नहीं आता है इसके अंदर। काफी इजी होता है एंट्री और एग्जिट, सिर्फ पैसे कमाने के लिए होता है, और आप ट्रेंड पता कर सकते हो जहां पे पैसा लगा रहे हो कि वो कंपनी कहां पे जा रही है, कैसे जा रही है ना। कोई भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं होती है एफपीआई से, और ठीक है। लेकिन अगर मैं एफडीआई की बात करूं तो एफडीआई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, फिजिकल एसेट्स के ऊपर लगाया जाता है। इससे किसी भी लोकल कंपनी को दोस्तों कैपेसिटी बिल्ड करने में काम आता है, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर भी होता है, मार्केट मिल जाता है उसको, मैनेजमेंट का इनपुट मिल जाता है। ओके, प्राइमरी मार्केट के अंदर दोस्तों एफडीआई लगाया जाता है, एंट्री लेना और निकलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ओके, एफडीआई से क्या होता है कि कंपनी जो है वो प्रॉफिट में बनाते हैं,
और डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्रिएट भी होती है, समझ रहे हो? तो मेरे के तो हमें क्या करना चाहिए, एफडीआई को बढ़ावा देने की जरूरत है। ठीक है गाइस, अब इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि अगर एक और प्रॉब्लम ये है कि अगर आप एफडीआई इन्वेस्ट करते हो ज्यादा पैसा जो है, अगर मान लो किसी कंपनी ने पैसे लगाते लगाते 51% हिस्सेदारी ले ली, तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल किसके पास में चले जाएगा, फॉरेन कंपनी के पास में। और हम तो क्या कर रहे हैं, हम तो आत्मनिर्भर हो रहे हैं, समझ रहे हो? तो आत्मनिर्भर हो रहे हैं तो फिर उस कंपनी को काम कैसे मिलेगा, तो कंपनी क्या सोचेगी कि पैसे को थोड़ा सा कम लगाया जाए, क्योंकि इंडिया क्या कर रहा है, आत्मनिर्भर बनने की बातें हो रही है, समझ रहे हो? तो या तो आत्मनिर्भर होना जरूरी है या फिर एफडीआई जो है उसके ऊपर फोकस करना जरूरी है। तो अभी तो क्या, अपने जो मिनिस्टर लोग हैं निर्मला जी, वो खुद भी कंफ्यूज है कि करना क्या है, क्योंकि मोदी जी तो बात कर जाते हैं आत्मनिर्भर की और हमारी जो निर्मला जी है वो एफडीआई की। ओके, तो जनता को कंफ्यूजन है मतलब कि करना क्या है। आगे बात करते हैं पेज नंबर 16। पेज नंबर 16 की बात करें दोस्तों, तो नेशनल गेम्स क्या हो गए, पोस्टपोन है जो कि हो गए हैं। इसके अलावा दोस्तों, नवंबर के अंदर इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया जाने वाली है खेलने को अंदर, ठीक है। और इसके अलावा एक बच्चा बोल रहा है सर राहुल सर की क्लास कब है, तो देखो भाई राहुल सर की जो क्लास है वो होगी रात को 9:30, ठीक है। कल रात को भी तो हुई होगी ना, नहीं हुई क्या कल रात को? ठीक है आत्मनिर्भर भारत 20 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, तो नेशनल गेम्स दोस्तों क्या कर दिए गए, पोस्टपोन कर दिए गए। आपको मालूम है अक्टूबर नवंबर के अंदर दोस्तों गोवा के अंदर है जो कि होने वाले थे, ठीक है। इस इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने दोस्तों गोवा गवर्नमेंट को बोला था होस्ट करने के लिए, लेकिन दोस्तों ये नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ द कोविड-19। नेशनल गेम्स की हालत दोस्तों बहुत ज्यादा खराब पड़ी है। इनकी शुरुआत हुई थी 1924 के अंदर दोस्तों, लाहौर के अंदर पहली बार नेशनल गेम्स है जो कि कराए गए थे। फिर 26 के अंदर भी लाहौर के अंदर हुए थे, जब देश आजाद हुआ 47 में, तो 48 के अंदर लखनऊ के अंदर कराए गए। हमारे देश के दोस्तों स्पोर्ट्स के लिए ना, स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए नेशनल गेम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तरीके का पैरामीटर होता है दोस्तों, जहां पे आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हो, बेटर कर सकते हो। लेकिन क्या है कि काफी टाइम से जो है नेशनल गेम के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया गया है। पिछले 10 सालों के अंदर अगर हम देखें, 2011 के अंदर दोस्तों रांची के अंदर हुआ था, जमशेदपुर और धनबाद के अंदर हुआ था, उसके बाद देखिए 2015 में हुआ केरला के अंदर, 2015 से 2020 आ चुका है गाइस, 2020 का भी नहीं होगा। तो पिछले 5 साल से कोई नेशनल गेम्स नहीं हुआ, समझ रहे हो? जबकि नेशनल गेम्स के हर एक कंट्री के अंदर जो होते हैं वो उनके बैकबोन होते हैं स्पोर्ट्स का, इसी वजह से हमारे यहाँ पे मेडल भी नहीं आ पाते। 2021 का था दोस्तों, वो भी पता नहीं होगा कि नहीं होगा। 22 वाला दोस्तों मेघालय के अंदर करवाया जाना है, 22 वाला जो है वो मेघालय में करवाने के लिए बोल रहे हैं। लास्ट टाइम पे जो सबसे ज्यादा मेडल जीते थे वो किसने, सर्विसेज ने जीते थे, ठीक है गाइस। आगे बात करते हैं, पीएफसी ने साइन किया है एमओयू पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने एनबीपीसीएल के साथ में, और 22,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट है जो कि मध्य प्रदेश में फंड कर रहे हैं। पीएफसी का मतलब है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इन्होंने एग्रीमेंट किया है किसके साथ में, एमबीपीसीएल। एमबीपीसीएल का मतलब क्या है, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी। तो नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी के साथ में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने एग्रीमेंट किया है, 22,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट है जो कि मध्य प्रदेश के अंदर ये लोग काम करेंगे, और कई सारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है ये लोग लगाएंगे ताकि बिजली जो है वो दोस्तों ज्यादा आ सके, समझ गए? इतनी सी बात है जो कि आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं, रिलायंस ने लॉन्च किया है व्हाट्सएप चैटबॉट, जो भी क्वेरीज है उसको आंसर करने के लिए। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दोस्तों एक व्हाट्सएप चैट बोट है जो कि लॉन्च किया है, जिससे जो भी 2.6 मिलियन शेयर होल्डर जो है ना, ओके, उनको एड्रेस जो है वो कर लेंगे ये लोग, और मैसिव 53,000 करोड़ जो राइट इश्यू करे गए हैं, है ना। तो उस चीज को लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या करेगी, पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो व्हाट्सएप के चैट बोट के द्वारा दोस्तों दे देगी। इसको जियो हैप्टिक टेक्नोलॉजी के द्वारा बिल्डअप किया गया है। आगे बात करते हैं, फ्लिपकार्ट ने क्या किया है, कर्नाटक मैंगो बोर्ड के साथ में टाइप किया है, और ये लोग क्या करेंगे, किसानों के जो आम है ना उसको ऑनलाइन सेल करेंगे। तो काफी नया इनिशिएटिव है जो कि लॉन्च किया गया है। फ्लिपकार्ट क्या कर रहा है कि मैंगो भी बेच रहा है, कर्नाटक मैंगो के साथ में इन्होंने कोलैबोरेशन किया है। क्या होगा कि फार्मर से ज्यादा डायरेक्टली लेगा और डायरेक्टली बेच देगा, तो इससे क्या हो जाएगा, फार्मर को भी बेनिफिट होगा इससे, मुझे ये लगता है ना, क्योंकि आप डायरेक्टली फार्मर से ले रहे हो और सीधे जो है कस्टमर को बेच रहे हो, ठीक है गाइस। तो जितने भी वैरायटीज है सबको ऊपर काम है जो कि किया जा रहा है। नेक्स्ट है वर्ल्ड डुगोंग डे। वर्ल्ड डुगोंग डे दोस्तों 28 मई को मनाया जाता है। देखिए, देखा है क्या डुगोंग को, डुगोंग क्या होती है,
एक तरीके से सी काऊ होती है, ये समुद्र में रहने वाली काऊ होती है एक तरीके से, इसको हम क्या बोलते हैं, सी काऊ भी कहते हैं, समझ रहे हो। चार सर्वाइविंग स्पीशीज जो है ना ऑर्डर सिरेनिया की, उसमें से एक है दोस्तों, और एकमात्र ऐसा हर्बीवोरस हर्बीवोरस मैमल है जो कि सी के अंदर दोस्तों रहता है। IUCN की रेड लिस्ट के अंदर इसको वल्नरेबल वाली लिस्ट के अंदर है जो कि डाल रखा है, जो कि शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ना हमारे 1972 का, उसके अंदर भी इसको मेंशन है जो कि कर रखा है, समझ रहे हो। 2013 के अंदर सर्वे में पता किया गया था कि 200 डुगोंग है जो कि हमारे गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में, अंडमान निकोबार में, गल्फ ऑफ कच्चे के अंदर है, ओके, जहां पे मरीन सिस्टम अच्छा होता है वहीं पर ये रहती है दोस्तों, समझ रहे हो। और प्रॉपर कंजर्वेशन जरूरी है, वरना ये दुनिया से क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी, और हमें सिर्फ दोस्तों फोटो में ही देखने को मिलेगी, कुछ इस तरीके की होती है, दिख रही है बिल्कुल एकदम गाय जैसी। तो इसके कंजर्वेशन को लेकर भी दोस्तों काफी काम किया जा चुका है। वैसे 13 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है ना, जो कि अभी हुआ था ना माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ द वाइल्ड लाइफ एनिमल का, तो वहां पर भी दोस्तों UNEP के द्वारा जो कराया जाता है, तो वहां पर भी क्या हुआ था, इसके ऊपर जो है काम किया गया था, इसके ऊपर भी MOU साइन करे गए हैं। इंडिया ने CMS को दोस्तों 1983 के अंदर साइन किया था, और साइबेरियन क्रेन हो गए, मरीन टर्टल, डुगोंग को 2008 में बचाने के लिए साइन किया गया, रैप्टर्स को 2016 में बचाने के लिए इंडिया ने दोस्तों साइन किया था। इसके अलावा एक टास्क फोर्स भी दोस्तों बना रखी है डुगोंग को बचाने के लिए, ठीक है गाइस। इसके अलावा देखियो वल्नरेबल वाली कैटेगरी है ना, तो IUCN की जो रेड लिस्ट है ना उसके अंदर 9 ग्रुप्स बना रखे हैं टोटल, किसके हिसाब से, डिक्लाइन की उसके हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। तो एक्सटेंट दोस्तों अभी तक नहीं हुआ ये, और अभी ये वल्नरेबल वाली कंडीशन के ऊपर है, ठीक है गाइस, यानी कि बीच में है कहीं ना कहीं। आगे बात करते हैं, चाइना ने लॉन्च किया दोस्तों अपना पहला मार्स मिशन जिसका नाम है ताइवान प्रथम, ताइवान 1 हम इसको कह सकते हैं, और रेड प्लैनेट के ऊपर फर्स्ट क्वार्टर 2021 के अंदर ये लोग लॉन्च है जो कि करने के लेकर बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। ताइवान 1 क्या करेगा, ऑल इन 1 ऑर्बिटर है, लैंडर है, रोवर है, जो कि वाटर हो गया, आइस हो गया, इन्वेस्टिगेट करेगा सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक को, ओके, इनके ऊपर दोस्तों काम करेगा, और लॉन्ग मार्च 5 जो है उसके द्वारा इसको लिफ्ट है जो कि किया जाएगा। तीसरा देश बन जाएगा दोस्तों आफ्टर यूएसए और रशिया के बाद में, जो कि इस तरीके का एक्सप्लोरेशन है जो कि करने वाला है, ठीक है गाइस। ताइवान 1 की बात करें तो लॉन्ग मार्च 5 के द्वारा भेजा जाएगा, 13 पेलोड है इसके अंदर, ऑल इन 1 है, ऑर्बिटर लैंडर रोवर, ऑर्बिटर दोस्तों यहाँ पे ठीक है इन्हीं के द्वारा डिजाइन किया गया है, लैंडर भी किया गया है और साथ में रोवर भी किया गया है। मार्स की बात करें दोस्तों तो फोर्थ प्लेनेट है हमारे सन से और सेकेंड स्मॉलेस्ट है सोलर सिस्टम में। मार्स दोस्तों हमारे अर्थ के साइज के आधा ही है ऑलमोस्ट, है ना, और मार्स ऑर्बिट करता है सन को, कंप्लीट करता है 1 रोटेशन 24.6 आवर्स के अंदर, जो कि हमारे 23.9 आवर्स के बराबर होता है। 25 डिग्री दोस्तों टिल्ट भी है, ओके, जैसे कि हमारे 23.4 है ना वैसे ही 25 डिग्री है टिल्ट है। और मार्टियन जो यहाँ पे डेज आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सोल्स कहते हैं, जो इसका मतलब होता है सोलर डेज, ठीक है। रेड क्यों है दोस्तों, बिकॉज ऑफ द आयरन, है ना। इसके अलावा दोस्तों लार्जेस्ट वॉल्केनो भी यहीं पर है जिसको हम ओलंपस बोलते हैं, जो कि हमारे माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा बड़ा है दोस्तों। टेम्परेचर जो होता है यहाँ पे हाईएस्ट 20 डिग्री और -150 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसके 2 मून्स भी है दोस्तों, फोबोस और डाइमोस, ये आपको मालूम होगा। आगे बात करते हैं, मॉन्टीनेग्रो दोस्तों पहला कंट्री बन चुका है यूरोप के अंदर जो कि COVID-19 से जिसने खुद को फ्री है जो कि बताया है। आपको मालूम है यार 6 लाख के आसपास की तो पॉपुलेशन है इसकी, ओके, और टेस्टिंग वेस्टिंग कर ली होगी तो वहां पे केस मिला नहीं होगा। 2 मंथ के बाद में मॉन्टीनेग्रो ने दोस्तों पहला कंट्री डिक्लेयर कर दिया जो कि COVID-19 से फ्री है जो कि हो चुका है। अगर मॉन्टीनेग्रो की बात करें तो पोर्ट गोरिका दोस्तों इसकी कैपिटल है, प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे डुस्को है, प्रेसिडेंट यहाँ पे इवान है, यूरो यहाँ पे करेंसी चलती है गाइज, और ये मैप देख सकते हो आप मॉन्टीनेग्रो का। आसपास दोस्तों बहुत सारे छोटे मोटे कंट्रीज है। नेक्स्ट है रशिया ने दोस्तों अपना पहला स्टिल्थ बॉम्बर है जो कि बनाना स्टार्ट कर दिया है। स्टिल्थ बॉम्बर क्या होता है, बिल्कुल चौंच जैसा होता है, समझ लो। रशिया ने दोस्तों उसका प्रोटोटाइप बना लिया है और इससे क्या होगा, कोई भी हैवी मिसाइल बॉम्ब जो है ये लेके जा सकता है। हाइपरसोनिक स्पीड है इसकी, हाइपरसोनिक स्पीड है, समझ लो। और इसका नाम दिया गया है PAK-DA, पाक डीए जो है वो नाम दिया गया है। 1997 के अंदर भी दोस्तों शुरुआत करी गई थी। चाइना ने भी खुद का बनाया था जियान H-20 दोस्तों, है ना, स्टिल्थ जो है ना बॉम्बर चाइना ने भी डेवलप किया है। इसके अलावा रशिया ने पहले सुखोई 57 है जो कि डेवलप किया था, अभी जो बना रहे हैं ये उसका एडवांस वर्जन है जो कि बना रहे हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार का होता है स्टिल्थ, ये देखिए, ये नॉर्मल वाले एयरक्राफ्ट में तो ऐसा होता है, इसका ऐसा होता है,
तो इसकी स्पीड जो है वो काफी जबरदस्त होती है और आप इसको किसी भी काम में ले सकते हो। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के अंदर दोस्तों क्या होता है कि जो रडार है ना उसके अंदर आता नहीं है ना। रडार से बचने के लिए दोस्तों क्या होता है कि इसके अंदर मटेरियल यूज किया जाता है जो कि ऑब्जर्व कर लेता है। इसी तरीके से दोस्तों पहले मेथड के अंदर जो है ना शेप होता है ना एयरलाइन का, फाइटर जेट का, ओके, वो क्या ऐसा बनाया जाता है कि वो रिफ्लेक्ट कर जाती है रडार की लाइट है। तो रडार जो है वो रडार में आता नहीं है और बहुत तेजी से जाता है। देखो इसकी स्पीड क्या होती है, हाइपर सुपरसोनिक यानी कि 1.34.8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है। जब मैं 1 मैक के बारे में बात करता हूं तो ये हाइपरसोनिक, ये सुपरसोनिक, ये ट्रांसोनिक और ये सबसोनिक। ठीक है गाइस, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सर आपका इंस्टाग्राम आईडी है क्या? कुमार मोनू पूछ रहे हैं। यार देखो मेरी कोई इंस्टाग्राम आईडी नहीं है, इंस्टाग्राम में यूज नहीं करता हूँ, अभी मैं कोई ट्विटर यूज करता हूँ, ठीक है, फेसबुक भी बहुत ही रेयरली, टेलीग्राम है जिसके ऊपर बच्चे कनेक्टेड है तो टेलीग्राम आप कनेक्ट हो सकते हो, है ना। हाँ रात को क्लास है सूरज, राहुल सर की क्लास रात को है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। फॉर्मर तमिलनाडु के जो फुटबॉलर है दोस्तों षणमुगम जी, उनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है गाइस, 1943 के अंदर बर्मा में इनका बॉन्ड हुआ था सीनियर नेशनल टीम के अंदर। इन्होंने क्रिकेट, इन्होंने क्या फुटबॉल है जो कि दोस्तों काफी खेला है, ओके। इसके अलावा दोस्तों अगर आप वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी वाले वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट हिंदी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वाईफाई स्टडी सीएसआर नेट को कर सकते हैं अगर आपके घर में कोई सीएसआर की तैयारी कर रहा है तो, बैंक के लिए बैंक और एसएससी के लिए वाईफाई स्टडी चैनल को, वाईफाई स्टडी एसएससी एग्जाम चैनल को अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में दोस्तों टेलीग्राम पे BHUNSS बुनेज डालिएगा पीडीएफ के लिए, बहुत सारे ग्रुप मिलेंगे, ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा जिसमें 61-62,000 के आसपास बच्चे हो। साथ में अगर आपको अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप BHUNSS बुनेज 10 डाल के दोस्तों अप्लाई कर दीजिए, 10% ऑफ और सभी सब्जेक्ट की सारी क्लासेस मिल जाएगी। उसी प्रकार से फाउंडेशन बैच चल ही रहा है दोस्तों एसएससी कैटेगरी के अंदर, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, जीएस हो गया, सारी क्लासेस सारे वाईफाई स्टडी के टीचर के द्वारा अवेलेबल करवा दी जाएगी मात्र 450 रुपए पर मंथ में। करना क्या है, अपना गोल ले लो दोस्तों एसएससी एग्जाम, फिर यहाँ पे जाओ गेट सब्सक्रिप्शन में, फिर यहाँ पे जाओ दोस्तों 12 महीने वाले में 500 रुपए पर मंथ होगा, इसमें डाइफिल को डालो बुनेश 10 और आपको ये 450 रुपए पर मंथ है जो कि आपको पड़ जाएगा। ईएमआई का ऑप्शन भी अवेलेबल है तो आप वो भी यहाँ पे ले सकते हैं। चलिए पहला सवाल, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने नर्मदा बेसिन प्रोडक्ट कंपनी लिमिटेड NBPCL के साथ मध्य प्रदेश में डैश की परियोजनाओं के लिए समझौता किया है। ठीक है, अरे मेरी स्पेशल क्लास 1 तारीख से स्टार्ट होगी गाइस, स्पेशल जो क्लास होगी मेरी अनअकैडमी में जो फ्री होती ना वो मेरी 1 तारीख से स्टार्ट होगी, 1 जून से सुबह 9 बजे और दिन में 12:30 बजे। पहला सवाल बता दिया, अगला सवाल है व्हाट्सएप चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने हाल ही में कर्नाटक मैंगो बोर्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिससे किसानों को ऑनलाइन आम बेचने में मदद मिलेगी? हाल ही में षणमुगम जी का निधन हो गया, वे किस खेल से जुड़े हुए थे? विश्व एडोंग दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये था दोस्तों आज का महत्वपूर्ण सेशन, उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ सीखा होगा आपने। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।